दोस्तों अगर आपको भी सीखना है कुछ इस प्रकार का एस्थेटिक फोटो एडिटिंग तो देख सकते हो मैं नया ट्यूटोरियल लाया हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बिना देरी के मैं इस वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले आपको आ जाना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड ये एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है तो वीडियो का एंड तक देखना मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपनी फोटो को आपको ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने फोटो को ऐड कर लिया आप देख सकते हो। इसके बाद आपको चले जाना ऐड फोटो वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर आपको मैं PNG दूंगा जो कि ये देख सकते हो। इसको आपको साइज फुल करना है एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको चले जाना ब्लेंड वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से आपको कर देना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इरेज वाले आइकन पे ऊपर दिख रहा है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओपेसिटी अपने हिसाब से आपको रख लेना, आपको कितना रखना है। तो मैंने 80% रख दिया है एंड इरेज वाले आइकन पे क्लिक करके कुछ इतना पार्ट आपको पहले इरेज कर देना है जो कि आपके कपड़ों पे आ रहा है। इसके बाद आपको रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक करके और अब आपको बैकग्राउंड में ब्रश को चला देना है और जो कि इसका हार्डनेस है उसको आपको बिल्कुल 100% कर देना है एंड उसके बाद आपको ब्रश को चलाना है। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको कर लेना है जैसे कि मैंने करा है। इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओपेसिटी अपने हिसाब से देख लेना है, मैंने 80% रखना है और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड आपको मैं 2 PNG और दूंगा, इन दोनों PNG को आपको ऐड करना है। तो पहली वाली PNG आपको यहाँ पर लगानी है हार्ट के अंदर आप देख सकते हो। इसके बाद आपको चले जाना है इसकी ओपेसिटी को कर लेना है 75% के करीब कुछ एंड ब्लेंड ऑप्शन पे आपको कर देना है मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको ये वाला एक टेक्स्ट PNG मिलेगा, इसको आपको लेना है एंड यहाँ पर आपको लगा देना है। ब्लेंड ऑप्शन से इसको आपको मल्टीप्लाई में सिलेक्ट कर देना है एंड इसके 2 copy आइकन पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर लेनी है आपको एंड इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने बराबर तरीके से लगा दिया एंड इतना होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको एक और PNG दूंगा मैं विंग्स की। इस विंग्स को आपको कुछ इस प्रकार यहाँ लगाना है, ऊपर आइकन दिख जाएगा आपको इरेज का, इरेज वाले आइकन पे क्लिक करके एंड कुछ इस प्रकार आपको विंग्स को इरेज कर देना है। एंड आपको कोई सा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, फोटो बता देना है तो इस टाइप का बनाना है तो मैं उस टाइप का वीडियो बना दूंगा। और PNG बैकग्राउंड भी कहाँ से डाउनलोड करना है तो इसका इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड आपको पिक्सआर्ट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने ये 3 PNG सिलेक्ट करी है। तो पहले ब्रोकन हार्ट वाली PNG लेनी है, अपने हेड पे यहाँ पर आपको लगा देना है एंड जो ये थिंकिंग वाला है इसको आपको कुछ उस प्रकार लगाना है ऊपर की तरफ एंड इसके अंदर आपको ये हार्ट लगा देना है। आपको PNG दूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार कर देना है इसको। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है एंड आपको एक और PNG दूंगा मैं ये वाली, इसको नीचे की तरफ आपको यहाँ लगा देना है एंड ब्लेंड ऑप्शन से इसको मल्टीप्लाई में आपको कर देना है। साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एंड बड़ा साइज करने के बाद आपको चले जाना है ओपेसिटी वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से आपको ओपेसिटी को अपने हिसाब से रख लेना है, कितना परसेंट रखना है, मैंने 71 रख दिया है। इसके बाद आपको इरेज वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, इन्वर्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको 4th का आप देख सकते हो ध्यान से, उस पर क्लिक करके अब आपको बैकग्राउंड में ब्रश को चला देना है। रिस्टोर वाली ब्रश पे क्लिक कर देना है और आपको बैकग्राउंड में ब्रश को चला देना है। तो इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी आप अपने हिसाब से देख लेना कितना आपको रखना है। तो मैंने कुछ इतना परसेंट रखा है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इफेक्ट का यूज करेंगे तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ से चले जाना है सिंपल वाले ऑप्शन में एंड आपको यहाँ मिलेगा BRL 4, तो आपको वो वाला इफेक्ट यूज़ कर लेना है एंड इसके बाद आपको चले जाना है FX वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से आपको ग्लिच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड ग्लिच के फेड को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं आपको बता देता हूँ कितना बढ़ाना है। तो आप देख सकते हो कुछ इतना परसेंट हम इसको रख देंगे एंड आपको मर्ज वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना इस वाले इफेक्ट पे, आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको ये वाला BRL 4 है देख सकते हो, ये वाला आपको रखना है।
जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, तो आप इसको बाद में भी रख सकते हो या पहले भी रख सकते हो। इतना होने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप अपनी फोटो अब देख सकते हो। यहाँ पर हमको थोड़ी सी डार्कनेस लानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से ब्राइटनेस को आपको कुछ इतना परसेंट माइनस कर देना है। इरेज वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इरेज वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ये देख सकते हो नीचे। हार्डनेस को जीरो करना है, साइज को बड़ा एंड कुछ इस प्रकार आपको हल्के हाथों से ब्रश को चला देना है। तो ये देख सकते हो थोड़ा ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा डार्कनेस में एंड इसके बाद अपनी ब्राइटनेस को अपने हिसाब से देख लेना कितना रखना है और आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आपको ऐसे ही कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊँगा।